अखिलेश के पक्ष में वोट करने की अपील। मैनपुरी यूपी इलेक्शन के तीसरे चरण में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के चुनाव क्षेत्र करहल और जसवंत नगर में हो रही है वोटिंग। समाजवादी का पूरा कुनबा इस समय इटावा में मौजूद है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश यादव को जिताने के लिए व्हील चेयर पर बैठकर इटावा गए। लोगों से अखिलेश के लिए वोट करने की अपील। मुलायम सिंह यादव ने खुद से फ्री में किया मतदान। दोनों राज्यों का आधिकारिक मतदान प्रतिशत जारी। पंजाब एवं यूपी। पंजाब के कुल 117 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। पंजाब में 64.48% मतदान हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदान में 16 जिलों के 56 सीटों पर मतदान हुआ। यूपी में मतदान का प्रतिशत 60.8% रहा। सबसे कम मतदान कानपुर नगर में 50.88% और सबसे ज्यादा ललितपुर में 67.37% हुआ। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे जी से की मुलाकात। मुंबई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंचे। चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जयप्रकाश और संजय राउत के साथ की बैठक। ये बैठक भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध भाजपा को रोकने की तैयारी मानी जा रही है। विपक्षी दल इसी तरह का मंच बनाकर भाजपा के विरुद्ध रणनीति बनाने की कर रहे हैं तैयारी। मेवात का कुख्यात अपराधी दिल्ली में गिरफ्तार। दिल्ली। कई आपराधिक मामलों में वांछित मेवात के कुख्यात अपराधी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राकेश उर्फ भोंडू को किया गिरफ्तार। राकेश हरियाणा में हत्या, डकैती, बलात्कार, मारपीट जैसे कई आपराधिक मामलों में वांछित है। किसानों की 8 में से 6 मांगों पर सीएम ने जताई सहमति। छत्तीसगढ़। नया रायपुर बसाने के लिए किसानों से अधिग्रहित भूमि पर किसानों को बेहतर पुनर्वास देने का सरकार ने वायदा किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। आक्रोशित किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1.5 महीने से चल रहा है आंदोलन। किसानों की समस्याओं को लेकर गठित की गई समिति ने 8 में से 6 मांगों पर अपनी सहमति जताई है। 2 मांगों पर कानूनी सलाह के बाद निर्णय लेने की बात कही गई है। नीतीश प्रशांत किशोर की मुलाकात पर तेजस्वी ने कसा तंज। बिहार। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें बिहार में पीड़ितों से भी मिल लेना चाहिए। एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें राज्य में पीड़ितों से भी मिल लेना चाहिए। वर्कशॉप में लगी आग, एक की मौत। दिल्ली। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में वर्कशॉप में आग लगने के कारण 2 सगे भाई फंसे। 24 वर्षीय छोटे भाई साहिल की जलने से मौत। दूसरा भाई 29 वर्षीय तालिब गंभीर रूप से झुलसा। दोनों भाई अपने पिता की वर्कशॉप में ही काम करते थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से हुआ हादसा। घर के बाकी लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय दंड विधान की धारा 288 तथा 304A में मामला दर्ज कर जांच जारी। बांग्लादेशी सांसद फजल हुसैन ने भारत को अहम पड़ोसी बताया। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का जिक्र करते हुए सांसद फजल हुसैन ने बताया कि भारत की मदद के बगैर हमारा मुक्ति संग्राम संभव नहीं हो पाता। भारत ने हमारे नागरिकों के रहने और भोजन की व्यवस्था की। फसल का बयान उस समय आया जब फेनी नदी के पानी विवाद और कटाव को लेकर दोनों देशों में संयुक्त सहमति बनी। नेपाल में अमेरिकी प्रोजेक्ट का विरोध। नेपाल। अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन द्वारा $500 मिलियन प्रोजेक्ट के खिलाफ नेपाल में हो रहा है प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट सांसदों का दखल और नियंत्रण कम होगा, जिससे नेपाल की संप्रभुता को नुकसान होगा। विरोध को दबाने के लिए नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार डाली। उइगर हिंसा पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को जांच की अनुमति नहीं दी। चीन। जर्मनी में चल रहे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि मिशेल वाशेलेट शिनजियांग प्रांत का दौरा कर सकती है, परंतु किसी तरह की जांच की अनुमति नहीं है। चीन में विज्ञान मुसलमानों का नरसंहार किसी से छुपा नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट भी आ चुकी है, फिर भी चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को जांच की अनुमति नहीं दी। मैक्रोन और पुतिन के बीच फोन पर हुई वार्ता। रूस।
रूस यूक्रेन संकट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पुतिन से फोन पर बातचीत की, सीज फायर की कोशिश पर रूस और अलगाववादियों को जिम्मेदार माना। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच यूक्रेन विवाद को लेकर शिखर वार्ता पर सहमति बनी है। कोरोना प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, कोरोना एकदम से खत्म होने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में सेल्फ आइसोलेशन की कानूनी बाध्यता खत्म होगी, कोरोना को फ्लू की तरह लिया जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।